जहानाबाद में लोकसभा चुनाव को भयमुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री में हथियार बनाने और उसकी बिक्री करने के पूरे खेल का खुलासा किया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फैक्ट्री के संचालक को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को टेहटा मेल रोड स्थित एक मकान में अवैध ढंग से हथियारों के निर्माण और उसकी सप्लाई किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने मिनीगन फैक्ट्री में छापेमारी की और वहां से कार्बाइन, थर्नेट, दो कारतूस, पिस्तौल समेत भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने का उपकरण जब्त किया है। हथियारों के अवैध धंधे में और किन किन लोगों की संलिप्तता है, इसकी छानबीन की जा रही है। कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि हथियार बनाने और बेचने के धंधे में सतेंद्र विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति के लगे होने की सटीक जानकारी मिलने के बाद एसटीएफ डीआईयू की टीम छापेमारी के लिए पहुंची। छापेमारी में अर्धनिर्मित 4 देसी कार्बाइन, 1 कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार की बरामदगी की गई है। अवैध धंधे के संचालक के अलावा उसकी पत्नी की भी संलिप्तता की बात सामने आई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। टेहटा थाना में थानाध्यक्ष टेहटा डीआईयू की टीम यहां पर है, उनके प्रभारी, और एसटीएफ की टीम के संयुक्त ऑपरेशन में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। कल 13/4/24 को ये उद्भेदन हुआ था। इसमें एक अपराधी है सत्येंद्र विश्वकर्मा, जो पूर्व में भी इस प्रकार के कांडों में संलिप्त रहे हैं। अभी तक की हम लोगों की प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर थाना में 2000 में ये इसी प्रकार की घटनाओं में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इनके परिवार का भी आपराधिक इतिहास रहा है और ये जो ऑपरेशन हुआ है इसमें इनको विभिन्न हथियारों के साथ, जिनमें एक देसी कट्टा है, कुछ 2 जिंदा कारतूस हैं, थ्रेनेट ये बनाने के एक्सपर्ट अपने को बताते हैं, पूर्व में भी उसी के बनाने के चलते ये जेल गए थे। उसमें से 4 अर्धनिर्मित थ्रेनेट हैं, 2 थ्रेनेट के पाइप हैं और विभिन्न स्टेजेस के इक्विपमेंट और उनको बनाने के जो साधन हैं वो जब्त किए गए हैं। मुख्य बात यह है कि सत्येंद्र विश्वकर्मा का पूर्व में जो आपराधिक इतिहास रहा है, हथियार बनाने के चलते ये 2 बार जेल गए हैं, इनकी पत्नी भी भोजपुर से जेल गई हैं, और इनका जो नेटवर्क है इस एरिया में, कौन कौन इनसे हथियार खरीदते हैं, इनकी तरह के और कौन लोग हैं, उस संबंध में भी हम लोगों ने आसूचना संकलन किया है और आगे हम लोग उन लोगों की धरपकड़, छापेमारी, गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं और साक्ष्य संकलन की भी कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो उपलब्धि है जिसमें एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, इस उपलब्धि के लिए एसटीएफ की टीम को, थानाध्यक्ष टेहटा को और डीआईयू प्रभारी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और हम लोग आशा करते हैं कि भयमुक्त निर्वाचन संपन्न कराने के लिए इस तरह के ऑपरेशन हम लोग आगे भी करते रहें। इनकी पत्नी पहले भोजपुर जिले में भी आर्म्स के साथ पकड़ी गई है, तो इनका सप्लाई नेटवर्क बाहर के जिले तक भी है। यहाँ पर नगर थाना क्षेत्र में भी इनका कुछ सप्लाई नेटवर्क है, जो लोग इनसे परचेज करते थे। हम लोग की कोशिश है कि एविडेंस के साथ साथ हम लोग उनको गिरफ्तार कर सकें, लेकिन अभी जब हम लोगों ने इनको पकड़ा तो ये नगर थाना से अलग हटकर टेहटा बाजार में एक कमरा रेंट पर लेकर, एक रूम का सेटअप है वो, और उसको रेंट पर लेकर वहीं ये बना रहे थे। तो और वहाँ इनका आश्रयदाता कौन था और वहाँ कौन लोगों ने इनसे डिमांड रखी थी, उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों की जाँच चल रही है। देखिए, ये डायरेक्ट तो टच में नहीं थे उन लोगों के, इनके और हथियार का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में इंटरमीडियरीज लोग हैं, तो जो इंटरमीडियरी हैं उनके कहीं से कनेक्शन हो, तो अनुसंधान की इतने प्रारंभिक चरण में हम लोग किसी भी संभावना से इंकार नहीं करते हैं, लेकिन जो भी चीज़ साक्ष्य और वो चीज़ सामने आएंगी उनको देखेंगे। अभी तक हम लोगों के पास ऐसा कोई साक्ष्य या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। ये नगर थाना के ही रहने वाले हैं और नालंदा जिले अंतर्गत का, लेकिन जब फैक्ट हम लोगों के सामने आया था कि अपने जवानी के दिनों में इन्होंने वहाँ रहकर ट्रेनिंग ली थी, और वहीं से जुड़े हुए कुछ और लोग भी हम लोगों के सामने आए हैं, उन लोगों को पर भी हम लोगों की निगरानी बनी रहेगी। अगर कुछ इस प्रकार की गतिविधि सामने आती है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे।